शरारत की भी एक हद होती है, हद होती है मरियम। हमने कहा था ना कि उस कमरे में कोई दाखिल नहीं होगा, कहा था कि नहीं? अगर आप हमें माफ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, जिंदगी भर नाराज रही, मगर इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। सबसे अलग होकर हम कैसे जिएंगे? हमें घर से निकालने से पहले याद रखिए, अगर हम एक बार चले गए तो कभी कभी लौट कर नहीं आएंगे। आज क्लॉक टावर का कमरा जाफर भाई ने खोल दिया था सजावट का कुछ सामान लेने के लिए। वहां पर अब्बा हुजूर आ गए और बहुत ज्यादा खफा हुए। फिर वहां पर मरियम भी आ गई। मरियम को देखकर अब्बा हुजूर चुप हो गए। मजाज मेरे सामने अब्बू ने उस कमरे को बंद किया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मरियम उस कमरे में पहुंच कैसे गई। कब तक हम मरियम से उस कमरे का राज छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो उसे बताना पड़ेगा। नहीं मजाज, बिल्कुल नहीं। अब्बू की तरह मैं भी ये चाहती हूँ कि ये राज हमेशा राज ही रहे। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर ये राज खुल गया तो हमसे कुछ खो जाएगा। हमसे हमारी मरियम खो जाएगी। मदिहा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। सब लोग बहुत परेशान हैं कि वो दरवाजा किसने खोला। किसी को खुद समझ में नहीं आ रहा। और मरियम, उसको वो फोटो भी मिल गई और अब ऊपर से उसके सवालों की बरसात। मायरा, सच बताना, इफ्तारी के वक्त तुम कहाँ थी? क्योंकि मरियम ने तुम्हें स्टोर रूम में जाते हुए देखा। अपी, अब कहना क्या चाहती हो कि मैं उस रूम में गई थी या फिर मैंने उस रूम का ताला खोला? मैं ये नहीं कहना चाहती, पर मरियम ने तो तुम्हें वहीं देखा था। मरियम का तो आजकल काम हो गया सबकी जासूसी करना। जब से उसे एक नया वर्ड मिला है ना, स्कूप, हर जगह स्कूप ढूंढती रहती है। अपी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उस रूम में जाऊंगी, जबकि दादा हुजूर ने हम सबको मना किया हुआ है उस रूम में जाने के लिए? तुम जानती हो ना वहां किसकी चीजें रखी हुई है। गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुमसे सवाल किया। आई एम सॉरी। हेलो नवाब साहब, क्या हुआ? आज आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? हाँ, आज हम नहीं आ सके। आज के लिए माजरत चाहते हैं आपसे। आपकी आवाज नवाब साहब, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, बस ठीक ही समझ लीजिए। ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे हम, बाद में बात करते हैं। नवाब साहब सुनिए तो, हमने कहा ना कि बाद में बात करेंगे आपसे। चांद मुबारक गालिब। चांद मुबारक। सॉरी, मेरा मूड बहुत खराब है आज। क्यों? आज दादा हुजूर ने मुझे बहुत डांटा और मेरी फोटो भी जला दी। पर गालिब, वो फोटो तो मैंने नहीं खिंचवाई थी, पता नहीं कहाँ से आई है। दादा हुजूर बहुत गुस्सा हुआ मुझ पर सच में मैंने वो दरवाजा नहीं खोला था, मैं तो सिर्फ स्कूप ढूंढने गई थी ना। हमने कहा था ना कि उस कमरे की एक चीज ही बाहर नहीं आनी चाहिए। कहीं वो फोटो ही तो मेरा स्कूप नहीं है। अब्बू कहते हैं कभी कभी स्कूप भी हमें ढूंढ लेता है। और उस फोटो ने मुझे खुद ढूंढ लिया था। वही मेरा स्कूप है गालिब, मुझे उसकी स्टोरी ढूंढनी होगी। गालिब, ईद के बाद सब कुछ ना कुछ करेंगे, मैं भी कुछ करूंगी। मैं ईद के बाद इस फोटो की स्टोरी ढूंढकर अब्बू को मैं सरप्राइज दूंगी और उनसे ईदी लूंगी। अब्बू बता रहे थे ऐसी स्टोरी जिंदगी बदल देती है। पर गालिब, ये फोटो की स्टोरी कहाँ मिलेगी? हमें उस गुजरे हुए कल के साए से भी नफरत है। ये सामान फौरन पाकिस्तान पहुंच जाना चाहिए, वहाँ इसका इंतज़ार हो रहा है। मरियम, 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 बेटा मरियम, उठिए। आप यहाँ क्यों सो रही थी? अपने रूम में क्यों नहीं सोई? मैं तो गालिब से बात कर रही थी, पता नहीं कैसे नींद लग गई। कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो जाइए, ईदगाह जाना है, नमाज का वक्त हो रहा है। अब्बू, दादा हुजूर गुस्सा क्यों थे? उन्होंने मेरी फोटो क्यों जला दी? मैं जानबूझकर उस रूम में नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ स्कूप ढूंढने गई थी, तब मुझे वहाँ फोटो मिल गई। और उस फोटो में वो लड़का कौन था मेरे साथ? कब खिंचवाई थी मैंने वो फोटो?